वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मैं सब लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 12, लेकिन मैं वीडियो बैक से डाल रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं नहाई नहीं थी, दुआई नहीं थी ऐसे ही, और ना आज नहाए खाए हैं। तो पूजा पाठ को मतलब नहाए खाए का जो कद्दू लौका भात और दाल वगैरह बनता है वो सब बन रहा है, तो मम्मी सब कुछ बना रही थी। थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, जुकाम सर्दी खांसी सब हो गया है, इसकी वजह से सुबह सुबह नहा नहीं पाए क्योंकि मौसम एकदम ठंडा है और हम नहा लेंगे तो फिर लड्डू का भी तबीयत ख़राब हो जाता, तो इसीलिए हम नहीं लगे थे। मम्मी अकेले, मम्मी है, दादी है, वो लोग अपना लगी है कर रही है, हम थोड़ा बहुत हेल्प करते रहते हैं उधर। तो चलिए दिखाते हैं क्या नहाए खाए हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी कद्दू काटा जा रहा है, दादी काट रही है कद्दू, बीच के लौका भात बनेगा। तो यहाँ बनेगा, रूम में खाना बनेगा, आज नहाए खाए का दिन है। काट देवे के ओका बाद फिर आलू कटेते। मम्मी कटोरवा दे और दम को भी खराब देते हैं। अरे घर के खराब है ये देख के, तो ये वाला खराब हो चुका है, ये खराब है देखो इसका है। तो अभी हम काट रहे हैं बैठ के सब्जी प्रसाद बनाने के लिए, और गोभी, अभी गोभी में ना बहुत छोटा 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 ग्रीन टाइप का कीड़ा निकल रहा है, तो वो इस गोभी में किसी किसी में था और कोई कोई गोभी ठीक था, गोभी है तो थोड़ा बहुत, तो एक दो कीड़ा तो ही नहीं निकलेगा। तो वही बैठे मैं काट रही थी, लड्डू भी काम कर रहा है ना, लड्डू काम कर रहे हो बेटा, नानी का काम कर रहा हूँ। तुम झूठा करोगे सब बेटुआ, खाने का चीज नहीं है बेटा सब, और याद है पूरा काम और याद है कि तो अभी सब कुछ बन रहा है और अभी बनने में टाइम है, अभी गोभी आलू शायद चढ़ा है, दाल चढ़ा है और इधर आलू, इधर हम सब्जी भी काट रहे थे बैठ के, अभी दादी भी काट रही है। तो भाई अभी अगस्ती का फूल धोना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है छठ पूजा में, और आप लोग को भी पता ही होगा कि ये क्या है, इसका बनेगा पकौड़ी। और वैसे ही कार्तिक के महीना में छठ महीना बहुत महंगा मिलता है। तो लगभग सब कुछ हो गया है और इधर चावल चढ़ा हुआ है, अभी चावल इसमें बनेगा, तो चावल के लिए अलग चूल्हा और इसलिए मम्मी चढ़ाई कि काफ़ी देर लगता है छोटा वाला गैस पे बनने में, और हम लोग के यहाँ बहुत लोगों का खाना बनता है एक साथ, गुस्तिया में के भी लोग आते हैं ना इसकी वजह से। हमको काम मिला है सिर्फ सब्जी धोने का, बैठे बैठे सब्जी धोते रहो। हमको काम देखिए सिर्फ सब्जी धोने का मिला है, कभी साग, कभी गोभी, कभी बैंगन, कभी टमाटर, हमारा खाली सब्जी धोने के काम मिल रहे आज ना। इतना सारा ना साग है ना, इतना मानी सागवा कौन खेतों में, तनी मनी साग हो जाते।
देखिए इसमें भी चावल बताया पूजा से चढ़ा हुआ है ब्यादर घर में। ब्लू लाइन वाला रहेगा आगे, आगे ब्लू लाइन वाला रहेगा। पापा जी पहना रहे हैं लड्डू को हग्गी, ये आगे रहेगा लड्डू। बहुत परेशान कर रहे हैं तुम सबको। तो अभी हम नहा चुके हैं, सुबह से नहीं नहाते थे, सिर्फ सब्जी धोने का काम हमको मिला हुआ था। अभी जा रहे हैं मम्मी के पास कुछ कुछ हेल्प करने, रोटी बनाना है अभी मम्मी के लिए, तो इसलिए जा रहे हैं अभी। और अभी से सुखा रहा लिए उखारे तो ताजा पलकवा ले ना जरा खारी पराठे तौली हमको ये दो ना। तो हमको ड्यूटी मिला है बचका छानने का, अगस्ती के फूल का बचका। इधर साग हो रहा है और इधर अगस्ती का फूल का बचका छानेंगे। गरम हो गया है ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है मम्मी का पार्क, क्या बोलते हैं आज नहाए खाए आज। तो ये रहा हमारे यहाँ सारा खाना बन चुका था और मम्मी बैठी थी अभी जस्ट खाने के लिए। तो आप लोग को भी नहाए खाए का प्रसाद खाना है तो फिर हमारे घर आ जाइएगा, तो हम जरूर खिलाएंगे आपको नेक्स्ट ईयर। लड्डू उठ गया, लड्डू उठ गया, सो गया। अच्छा बैठा है अभी खाने के लिए, चलो खाएगी पहले। और कौन कौन बैठ रहा है आप लोग भी बैठ जाइए, हम खिला देंगे। तो मम्मी के खाना खाने के बाद अभी हम लोग सब लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि नहाए खाए के दिन तो पहले जो छठ करती है उनको ही खाया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी दोपहर के लगभग बज चुके थे 12:30, 1 तो इसी बीच अभी हम लोग सब लोग एक दूसरे मतलब खाना खिला रहे थे। और खाना हम लोग के आज पतल पे चल रहा है, देख लीजिए। तो हम लोग क्या छठ में पूरा छठ पतल पे ही खाना चलेगा सब लोगों का। किसी को खाना मिलेगा लेकिन इसका तार बांधा हुआ है मिठू, तुम्हारा तार बांधा हुआ है मिठू। तो मिठू को खाना दे दिए हैं, मिठू खा रहा है। सब लोग खा रहे हैं अभी, जा रहे हैं अभी हम भी खाने के लिए। दोपहर हो गया है लगभग 12 बज गया है। तो सबका खाना निकाल दिए हैं और जा रहे हैं हम अपना खाना निकालने। तो मेरा खाना कोई नहीं निकाला, सब बैठ के खा रहे हैं अभी, इसलिए हम सोचे कि हम खुद ही अपना खाना निकाल लेते हैं। अभी सारा खाना ही पड़ा है रूम में, थोड़ा सा खाए, 1 कोर या 2 कोर खाए मम्मी के थाली में, पता नहीं जूठा थाली में थोड़ा वो प्रसाद हो जाता है तो इसीलिए रूम में खाए थे। ये रहा मेरा खाना और चले मेरे खाने।
तो अभी खाना खाने के बाद हम आ गए थे कपड़ा परचेंज करके साथ लिए अपने पूजा रूम में, और वहाँ पे जाता पीसा जा रहा था, सॉरी गेहूँ पीसा जा रहा था जाता में, तो वही मैं आ गई थी आंटी लोग के साथ गेहूँ पीसने के लिए, क्योंकि लोग बहुत देर से पीस रही थी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, खाना वाले ब्लॉग में। तो बाय, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी न्यू मेंबर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय। पूरा होगा तो अच्छा लगेगा। छोड़ी दे।